नमस्कार मुंबईकर्स, मैं हूं चैतन्य राठी और हम आ गए हैं बिजली बाइट्स का और एक वीडियो लेकर आप सभी के लिए। बारिश का मौसम आ चुका है और अदानी इलेक्ट्रिसिटी हम सब की सेफ्टी के लिए कैसे तैयार है, ये हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए, बारिश के मौसम में कोई भी बड़ी कंप्लेन अगर आती है, फिर चाहे वो पुलिस से हो या बीएमसी से हो या कहीं पर आग लगी हो या वाटर लॉगिंग हुआ हो, तो सबसे पहले कंप्लेन यहां पर आती है, जो है सेंट्रल डिजास्टर कंट्रोल रूम। यहां पर आने के बाद फिर अगले डिपार्टमेंट में ये कंप्लेन भेजी जाती है। यहां से शुरू होता है सेफ्टी का सफर और अब हम आ चुके हैं स्काडा रूम में, मतलब सिस्टम कंट्रोल रूम में, जहां से हर कंप्लेन असाइन होती है। जून का महीना है, मुंबई कर बारिश के लिए तैयार हो रहे, तो हम यहां पर अभी आए हैं अदानी के कंट्रोल रूम में और बारिश की क्या तैयारी हुई है वो हम देखने वाले हैं। तो सर, ये यहां पे हम जो देख रहे हैं बैकग्राउंड में, क्या हो रहा है यहां पे? ये अभी अदानी का मेन पावर सिस्टम कंट्रोल सेंटर है। यहां से ऑलमोस्ट अदानी इलेक्ट्रिसिटी का 100 से आसपास जो रिसीविंग स्टेशंस है, 33 KV और 22 KV के रिसीविंग स्टेशंस कंट्रोल होते हैं। और आप जो उधर वो डेस्क देख रहे हो, उधर से इधर पूरा मुंबई का जितना ट्रांसमिशन का नेटवर्क जो होता है वो डेस्क से कंट्रोल होता है। और अभी मानसून के पर्सपेक्टिव में आप देखोगे कि हिस्ट्री के हिसाब से हम लोगों ने वी हैव आइडेंटिफाइड सम लोकेशंस, मेजर लोकेशंस जो पिछले सालों से वो पानी भर रहा है, तो वहाँ पे हम लोगों ने वाटर लेवल सेंसर लगाया हुआ है। और दूसरा चीज़ ऐसा है कि हमको लोग रहते हैं जो साइट पे, जो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहते हैं कि पानी के लेवल कैसा है, क्या है करके इनपुट्स देते रहते हैं, तो उसके हिसाब से मैन और मशीन का सेफ्टी के लिए हम लोग वो बंद कर देते हैं सबस्टेशन स्टेशन पे। तो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट वी हैव टेकन केयर ऑफ द मॉनसून। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस कंट्रोल रूम में एक कंप्लेन आई है। यहाँ जो एग्जीक्यूटिव है, उन्होंने इस केस को ऑपरेशन रूम में ट्रांसफर कर दिया है फॉर इमीडिएट एक्शन। लेट्स विजिट द साइट टू सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। सो इंजीनियर्स का काम होता है टू इंश्योर सब केबल्स एंड मीटर्स इंस्पेक्ट करना, एंड अगर कोई फॉल्ट हो तो उसे आइडेंटिफाई करके फिक्स कराना, so that Mumbaikars don't get affected. अब हम आए हैं अदानी के सबस्टेशन यूनिट में, जहां अगर कोई भी फ्लड या वाटर लॉगिंग हो तो इंस्टेंटली ये वाटर सेंसर एक्टिवेट हो जाता है और सिस्टम कंट्रोल रूम को नोटिफाई करता है फॉर इंस्टेंट रेजोल्यूशन। हालांकि अदानी इलेक्ट्रिसिटी आपके सेफ्टी के लिए सारी इंपॉर्टेंट चीजें कर रही है, वो मानते हैं कि सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो लोगों को सेफ्टी टिप्स दे रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसे आप हमारे पीछे देख सकते हैं, अदानी की टीम यहाँ पर आई है, MIDC अंधेरी ईस्ट में हम अभी है। यहाँ पर हम जगह जगह जाके कस्टमर्स को ये बताते हैं कि सेफ्टी मेजर्स जो है वो कैसे फॉलो किए जाए, जैसे 2-पिन वाला सॉकेट ना यूज़ करे, एक सॉकेट में बहुत सारी वायर्स ना डाले, और ऐसे कई सारे सेफ्टी मेजर्स सभी कस्टमर्स को बताए जाते हैं। आप भी अपने घर पर सावधानी बरतिए, ध्यान रखिए आपका और आपकी फैमिली का। जैसे कि आपने देखा, बारिश के इस मौसम में अदानी इलेक्ट्रिसिटी की टीम आपके और आपके परिवार की सुरक्षा और कंटिन्यूस पावर सप्लाई के लिए तैयार और हाजिर है। मॉनसून सेफ्टी की जिम्मेदारी जितनी अदानी की है, उतनी ही आप सभी की भी है, ताकि आप और आपका परिवार सेफ रहे। अगर आपकी कोई भी कंप्लेन है तो कॉल कीजिए 1912 और अदानी की टीम वहां पर आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने तुरंत पहुंच जाएगी। ऐसे ही बिजली बाइट्स के और कई वीडियोस मैं आप तक लाते रहूंगा। तब तक के लिए हैप्पी मॉनसून्स एंड स्टे सेफ।